C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। निवेदिता का बदला अंदाज कहीं शांतनु को किसी छिपे चक्रव्यूह के जाल में फंसा ना दे। आपको अभी तक थैंक यू नहीं बोला। जिस बात के लिए मम्मा? आपने अपने छोटे भाई की जान जो बचाई। अच्छा हुआ कि उन लोगों ने मुझे गोद ली क्योंकि मुझे शर्म आती। जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा शाम 7 बजे। निवेदिता रच रही है षड्यंत्र शांतनु के खिलाफ। शांतनु के इस बदले व्यवहार को देख कैसे सवार पाएगी पुचकी अपनी दोस्ती को? कर हवा में लटका रहेगा बस। मुझे समझ आ गया कि मुझे इस जगह से चिढ़ाती है। I hate this place। तुझे मुझसे भी चिढ़ है, मुझे तुझसे चिढ़ है। I hate you। जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिए। निवेदिता की साजिश जान बैठा अरिंदम, क्या बचा पाएगा शांतनु को? उसकी चंदा माँ, हिम्मत कैसे हुई आपकी हमें उस बाजारू औरत के नाम से पुकारने की? एक बात और आप सब लोगों को बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि पुचकी का एडमिशन स्कूल में हो चुका है। कुछ ही दिन में पुचकी स्कूल जाना शुरू करेगी। क्या होगा रविंद्र का फैसला जब ठाकुमा दुनिया को बताएगी शांतनु के जन्म का असली राज? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिए। एक और अनजान साजिश में फंस रही है शांतनु और पुचकी की दोस्ती, और वहीं दूसरी ओर दांव पर लगी है अरिंदम और चंदा की जिंदगी। क्या होगा हश्र इस अनजान साजिश का? जानने के लिए इस मंगलवार मुलाकात होगी ये तेरी गलियां में शाम 7 बजे। काम पूरा होने पर जो मनमाए भर लेना। शांतनु, पुचकी! शांतनु, पुचकी! बहुत भागने का शौक है ना? साजिशों के भंवर में फंसा शांतनु क्या बचा पाएगा पुचकी को, या होगा उनकी दोस्ती का अंत? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। सच्चाई से बेखबर क्या शांतनु की बेबसी बन जाएगी उसकी चिंता का कारण जब उसे पता चलेगा पुचकी की मौत का सच? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। इतना सारा मजेदार कारण देखकर पीछे चूहे दौड़ रहे हैं और इसको लगे अब तो चूहे बाहर ही निकल जाएंगे। पास होकर भी दूर है शांतनु अपनी दोस्त पुचकी से। क्या नीलांबर से किया वादा पुचकी तोड़ पाएगी, या फिर कोई नया मोड़ लेगी ये दोस्ती? मौसमी, शान को दीजिए। ले लो बेटा, बहुत टेस्टी। ये सब बहुत अच्छा है। टूट पड़े इस पे शांतनु, मेरे नाम के 2-4 खा ले। पुचकी के बिना कल से कैसे उतरेंगे रसगुल्ले? पता नहीं कैसी होगी मेरी पुचकी। मुझे पता है शांतनु मुझे याद कर रहा है, इसलिए मेरे बिना रसगुल्ले भी नहीं खा रहा। लेकिन शांतनु तू तो खा ले। तूने खाया, मैंने खाया, सेम टू सेम। मुझे तो इतनी भूख लगी है फिर भी मैं नहीं खा पा रही। और ये दोस्त अंकल कहाँ रह गए पता नहीं। सुभजीत, कॉफी लेके आओ। जी सर।
और भाई चंदा रानी, कैसा था? क्या कैसा था? ओए हाय, बड़ी भोली बन रही है, दुग्गा रे दुग्गा। अरे वही तेरा दाढ़ी मूछ वाला वाला क्लाइंट, हमें तो चंदा चाहिए। अच्छा था? सिर्फ अच्छा था है? बड़ी देर लगा दी तूने उसके साथ कमरे में, बड़े मजे मजे लेके गया होगा ना तेरे। हमारा काम है कस्टमर को खुश रखना, तभी तो बाड़ी का धंधा बढ़ेगा। हाय चंदर रानी, तेवर तो देखो तेरे हैं। वैसे चंदा एक बात बता मुझे, तू इतने मोटे मोटे बड़े बड़े कस्टमर सेट कैसे करती है? हाँ मतलब चेहरा तो तेरा ढल रहा है, पेट तेरा बाहर निकला हुआ है। अरे हमें भी सिखा दे, कैसे तू अपने पीछे इतने आशिकों की लाइन लगाती है, बोलना। एक ओर जहां पीकू बनी पुचकी है साजिशों के रंजिश से अनजान, वहीं दूसरी ओर फिर एक चक्रव्यूह रच रहा है उसके खिलाफ। अरे ओ छोटे चिकने, मेरा भी ऑर्डर ले जा। क्या होगा इस कहानी का अगला मोड़, जानने के लिए सोमवार का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अब तेरा राम यहाँ आएगा मेरी लंका में, मैं चलाऊंगा उसे। तेरा और तेरी लंका का अंत मेरा विमान करेगा, देखियो। आज मैं तुम्हारी प्रेम कहानी का अंत करूंगा। अगले हफ्ते देखिए कि अपनी बहन रेवती को पर्व के जाल से निकालने के लिए गुड्डन पहुंची अक्षत के पास मदद मांगने। क्या अक्षत करेगा गुड्डन की मदद और बचा पाएगा रेवती को पर्व के जाल से? अब क्या नया मोड़ लेगी अक्षत और गुड्डन की ये अनोखी कहानी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें और साहब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये माई के लिए है। अतुल जेल में है, अतुल और अनुप्रिया एक दूसरे के संपर्क में है। ना ही इस वाड़े में अतुल का नाम लिया जाएगा, ना ही उससे जुड़ी हुई किसी चीज को प्रवेश मिलेगा। Was crying. इससे पहले तो कभी उसे ऐसे नहीं देखा। You know, एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। बहुत प्यार करता होगा उससे। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आजकल कुछ अलग सा देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही है जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। क्या तुम बाकी कुछ महसूस करती हो मेरे लिए? ए लड़की रुक, माथा बता अपना। तू बहुत जल्द किसी अपने को खोने वाली है। हम रुखसार की बहन के देव हैं, और ये भी सच्चाई है कि हम रुखसार के नाम महरम है, और सबसे बड़ा सच मासूम की जान खतरे में सर। पर रुखसार के लिए महरम बन सकते हैं, रुखसार के साथ निकाह कर और उसे अपनी बीवी बना लो। वेदिका ने कर लिया है दृढ़ निश्चय अपने वेद को लौटा लेने का, पर इस लड़ाई में है उसके दो सबसे चहेते हिस्से जिंदगी के उसके विरुद्ध। अब मैं आपसे बेझिझक लड़ूंगी, क्योंकि अब ये दो माओं की लड़ाई है, यशोदा और देवकी की लड़ाई। एक माँ करेगी हर मुमकिन कोशिश, पर कौन है निशा जिसकी असलियत से है सब अनजान? अब देखना है किस्मत का फैसला किस और करती है रुख, माँ यशोदा या देवकी माँ की तरफ। जानिए आपके आ जाने से की